गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शीनम रहेजा, आपकी मेंटोर, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जी, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका कल का फेस्टिवल? हेलो रिंकी, हाय जीनिया, अरमान, सान्या, मुस्कान, स्तुति, गुरलीन, कुलविंदर, गुड इवनिंग प्रवीण, गुड इवनिंग तीनू। तीनू कौन है? हेलो दीक्षा, हाय सुरखा, हर सुखाब जी, सुखप्रीत जी, कैसे हैं आप? हाँ जी अरमान, बढ़िया था कल का दिन। आप लोगों ने घर पे थोड़ी बहुत पढ़ाई करी या बस फेस्टिवल में ही रह गए? मार्केट घूमते रहे, मेहंदी लगाते रहे? फास्ट किद्दा रहा? फास्ट वधिया सी, फास्ट जिद्दा हुंदा है भुखे पेट। हाय प्रतिभा, हाय गुरदीप, हरप्रीत, धर्मपाल जी। जी हेलो रिसु रतिवाल, हाय रितिका शर्मा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्रतिभा, हाय नूतन। ठीक है धर्मपाल जी, अगली बार प्रोग्राम बना लेंगे। पहले से वॉइस कम आ रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं जी एक बार अब देखो आवाज। आवाज बताओ, वॉल्यूम कट है? एक बार होन देखो, मैं दोबारा प्लग इन किता माइक। हाँ वो धर्मपाल जी, मुझे भी नहीं पता लगा कैसे जेन ऑस्टन वाली वीडियो में आवाज कम आई है। मैं तो खुद सारी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद सुना, पर यहाँ पर वायरिंग वगैरह सब सही थी। सही है, चलो जेन ऑस्टन वाली पे मैंने भी जब बाद में क्लास सुनी ना, मुझे भी लगा कि पता नहीं आवाज़ इतनी कम क्यों आई है। सेटिंग्स वगैरह तो कुछ भी नहीं छेड़ी हुई थी, उतनी ही थी सेटिंग। ये ना मुझे बस हिंट्स मिल रहे हैं कि मुझे एक जल्दी जल्दी एक नया हेडसेट ये ले लेना चाहिए, है ना? चलेगा नहीं इस हेडसेट से काम, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, जेन ऑस्टन विद लिटरेरी टर्म्स। चलिए तैयारी कैसी थी आज की क्लास की? ये नए स्टूडेंट्स के लिए मेरी इंट्रोडक्शन है, ऐप डाउनलोड कर लेना। जितने भी बच्चे कनेक्ट होते हैं रोज़ रोज़, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। ये हम मास्टर कैडर का कोर्स चल रहा है और अदर स्टेट्स के भी टीजीटी पीजीटीज रनिंग है। चलिए, जेन ऑस्टन वॉज बॉर्न ऑन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में मिलना ही मिलना है। बताइए जेन ऑस्टन का जन्म कब हुआ? 1775, 1780, 1817, बताइए। हाँ जी गुड इवनिंग रविंदर, यस 1775 में, 1817 में क्या हुआ था? डेथ हुई थी उनकी जी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। चलिए हुम डिड जेन ऑस्टन मैरी, बताइए। रिमेंड अनमैरिड, मिस्टर कॉलिंस, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड ब्राबोन। राधे राधे ज्योति, ज्योति बब्बर बहुत टाइम बाद आई हैं क्लास में। यस शी रिमेंड अनमैरिड, बिल्कुल ठीक। चलिए मैंसफील्ड पार्क पब्लिश्ड इन डैश वॉल्यूम्स, बताइए कितने वॉल्यूम्स में था मैंसफील्ड पार्क? हाय शंकर आनंद, वेलकम टू आवर चैनल, पहली बार आए हैं और बाकी वीडियोस भी देखते रहना साथ साथ, अब रोज़ कनेक्टेड रहना हमारे साथ, ठीक है जी। यस थ्री वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स में था ये? थ्री वॉल्यूम्स में, बिल्कुल ठीक, थ्री वॉल्यूम्स में था बेटा ये मैंसफील्ड पार्क। विच नॉवल वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट, इनमें से कौन सा नॉवल पहली बार आया, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ?
नहीं, पब्लिश सबसे पहले हुआ, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, बताइए। मैंसफील्ड पार्क 2 वॉल्यूम्स में था, सबने ही 2 वॉल्यूम्स आंसर करा है, तो रुको फिर मैं चेक कर लो कहीं मैं ही गलत तो नहीं। थ्री वॉल्यूम्स ही है भाई, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, 3 वॉल्यूम्स ही है। नहीं, 2 एडिशंस है, आप लोग वॉल्यूम और एडिशंस में फर्क ही नहीं जानते। अच्छा पहले इसका आंसर करते हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अब पीछे वाले क्वेश्चन पे चलो, वॉल्यूम्स पूछे हैं, ये थोड़ी पूछे है कि कितनी बार आया था। एडिशन का मतलब होता है बार बार बुक छपी है, पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 1813 में आई हो, दूसरी बार 1815 में आ जाए, तीसरी बार 1816 में आ जाए, चौथी बार 1818 में आ जाए, तो वो होगा 4 एडिशंस हो गए उस चीज के। यहाँ पर वॉल्यूम्स पूछे हैं कि एक बुक के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितने वॉल्यूम में डिवाइड है वो बुक, तो इसके अंदर 3 वॉल्यूम थे। चलिए, विच नॉवल वॉज पब्लिश फर्स्ट, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। विच ऑफ हर नॉवल्स वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली, हेलो डियर वन, ओके कोटा से हैं आप, ठीक है जी, हाँ जी 3 वॉल्यूम सही है साहिल। बताइए पोस्टमसली कौन सा वर्क था इसमें से, नॉर्थेंजर एबे, कौन सा था, नॉर्थेंजर एबे एंड परसुएशन, दो थे। चलिए, द नोवल परसुएशन वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली अंडर द सुपरविजन ऑफ, किसने करवाए थे, ये आपको जब वीडियो क्लास लगी थी तब बताया भी था कि किसने करवाया था पब्लिश उनके पोस्टमसली 2 वर्क्स, नाम भी दिया था उसके, उसने उसने अपनी जो ऑथर है उसका नाम भी दिया था। यस ब्रदर, उनका ब्रदर का क्या नाम है, हेनरी, हेनरी ऑस्टन ने पब्लिश करवाए थे परसुएशन एंड नॉर्थेंजर एबी। हर प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ, अब टाइटल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रीवियस टाइटल था पहले वो कौन से प्रीवियस टाइटल में पब्लिश हुआ था, एवलिन, किटी, फर्स्ट ये लेडी सुजैन या फर्स्ट इंप्रेशंस, प्रीवियस टाइटल, हाँ जी टीनू, अरमान, यस फर्स्ट इम्प्रेशंस नाम था पहले इसके टाइटल का। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हाट इज मिस्टर डार्सीज फर्स्ट नेम, मिस्टर डार्सी का फर्स्ट नेम क्या था, हाँ जी हाँ जी, सबका बढ़िया, सबका बढ़िया आंसर आ रहा है, सब सही है। बताइए डार्सी का पहला नाम क्या था, फिट्जरबर्ट, फिज पैट्रिक, फिजरॉय, फिज विलियम, यस फिज विलियम, यस। चलिए, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ अपियर्ड इन, ये फर्स्ट लाइन है कौन से नॉवल की, फर्स्ट लाइन है बताइए कौन से नॉवल की फर्स्ट लाइन है, पेपर में ऑलरेडी ये मास्टर कैडर में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे स्टेट लेवल में हर जगह ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। यस प्राइड एंड प्रेजुडिस की ये फर्स्ट लाइन है। वट इज़ द टाइटल ऑफ द शॉर्ट नॉवेल ऑस्टन रोट इन 1795 बट नेवर पब्लिश्ड, पब्लिश नहीं किया था, कौन सा था इसमें से बताइए, लेडी समांथा, लेडी सारा, लेडी शैरन, लेडी सुजन, बताइए। लिखा था उन्होंने एक शॉर्ट नॉवल बट पब्लिश नहीं करा, वेरी गुड प्रवीण, कुलविंदर, जीनिया, यस हाँ जी धर्मपाल जी, अरमान, लेडी सुजन। चलिए, अ मेमोर ऑफ जेन ऑस्टन वॉज रिटन बाय, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके लिए एक मेमोर किसने लिखा था जेन ऑस्टन के लिए, बताइए जॉन मुर्रे, आर डब्ल्यू चैपमैन, मैरी लेसिलस एंड जे ई ऑस्टन ले। हाँ जी रिंकी बिल्कुल ठीक, यस डी ऑप्शन, ऑस्टन ले, उनका नेफ्यू था ये। विच ऑस्टन नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर सर वॉल्टर एलियट, बताइए आप लोगों ने अगर समरीज रीड कर ली हैं तो सर वॉल्टर एलियट सुना सुना नाम लग रहा होगा फिर तो बता दीजिए कौन से नॉवल में आया है वो। हाँ जी ऋषु, स्थिति, हर्षुका, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा, बताइए इसका आंसर करिए, सर वॉल्टर रैले, सर वॉल्टर एलियट आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, रिंकी, गुरलीन, तानिया, दीक्षा, अरमान, जीनिया, बहुत अच्छे बेटा, परसुएशन में, कहाँ पर है ये,
परसुएशन में। अच्छा पहले मुझे बताओ, सबने समरीज पढ़ ली है? आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दी गई थी समरीज, सबने रीड करी है? प्रिंट आउट लिए नहीं लिए? अभी तक पेंडिंग चल रहा है काम? हाँ जी, परसुएशन आएगा आंसर। अच्छा ऑलमोस्ट पढ़ ली है। अच्छा, व्हाट इज द सरनेम ऑफ द फाइव सिस्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस? बताइए बेटा, सिलेबस साथ साथ ही रखो, बाद में फिर समरीज इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। जैसे जैसे आपको टाइम टेबल में होमवर्क दिया हुआ है वैसे वैसे चलते चलो। यस, बैनेट सिस्टर्स। चलिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर वाइकम? वाइकम का क्या प्रोफेशन है? आर्मी ऑफिसर, क्लर्जीमैन, सोलिसिटर, अंडरटेकर? बताइए। यस, आर्मी ऑफिसर है, मिलिशिया ऑफिसर करके भी आपको उसमें नोट्स में बताया हुआ है। चलिए, इन नॉर्थेंजर एबी द हीरोइन कैथरीन मोरलैंड एंजॉयज रीडिंग व्हाट टाइप्स ऑफ नॉवल? व्हाट टाइप्स ऑफ नॉवल, कौन से नॉवल्स हैं कैथरीन मोरलैंड को पढ़ने का शौक है? गॉथिक नॉवल, रोमांटिक फिक्शन, साइंस फिक्शन, वेस्टर्न फिक्शन? हाँ जी, हाँ जी दीक्षा, बहुत अच्छे। यस, गॉथिक फिक्शन पढ़ती है कैथरीन मोरलैंड, और स्पेशली कैथरीन मोरलैंड के ऊपर क्वेश्चन बनता भी है कि कैथरीन मोरलैंड कौन से नॉवल की हीरोइन है, तो नॉर्थेंजर एबी की। चलिए, इन ऑस्टन्स, बेटा इसका इसकी पब्लिशिंग डेट भी जरूर पूछी जाती है, ठीक है? इन ऑस्टन्स कॉमिक नॉवल एमा, व्हाट इज द टाइटल कैरेक्टर सरनेम? बताइए, एमा क्या है? एमा वुडबाइन, एमा वुडहाउस, एमा वुड्रो, एमा वुडविल? बताइए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक धर्मपाल जी। हाँ जी, 1818, वेरी गुड। यस यस, एमा वुडहाउस। ज्योति आपने समरीज नहीं पढ़ी है। चलिए, हु इज द हीरोइन ऑफ मेन्सफील्ड पार्क? फैनी बॉयस, फैनी ब्राइस, फैमी प्राइस, फैमी फैनी राइस? बताइए, मेन्सफील्ड पार्क की हीरोइन का नाम। 17 नंबर क्वेश्चन पर है, हम फटाफट आंसर करते चलिए। यस, हाँ जी गुरलीन, कुलविंदर, टीनू, साहिल? यस, फैनी प्राइस, बिल्कुल ठीक। चलिए, वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लेजर्स ऑफ द अदर, द लाइन अपियर्ड इन एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थेंजर एबी? वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लेजर ऑफ द अदर्स। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बताइए? ए बी सी डी? नहीं साहिल, गलत है आंसर आपका। वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, बेटा एमा, क्या आंसर आएगा? एमा। नहीं गुरदीप, ए आंसर है, एमा आंसर। हाँ जी, हाँ जी कुलविंदर, हाउ मैनी नॉवल्स डिड जेन ऑस्टन पब्लिश? 4, 5, 6, 8? कितने नॉवेल्स हैं जेन ऑस्टन के जो पब्लिश हुए हैं? ओके बेटा, यस, सिक्स नॉवेल्स। कितने हैं इसके? सिक्स नॉवेल्स हैं जो पब्लिश्ड हो गए थे, एक सिंगल वो अभी लिख रही थी जो अनफिनिश्ड रह गया था, उसका नाम भी मैं आगे पूछूंगी। व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल्स हैड जेन ऑस्टन रिटन? डोमेस्टिक नॉवेल्स, सोशल, गॉथिक, हिस्टोरिकल? कौन से काइंड के नॉवेल्स जेन ऑस्टन लिखती थी? हाँ जी, हेलो श्याम शाह जी, गुड इवनिंग। बेटा वो गॉथिक नॉवल लिखती थी, गॉथिक। चलिए, विच नॉवल वॉज शी रिटन व्हेन शी डाइड? कौन सा वर्क था जो वो लिख रही थी, उनकी डेथ हो गई थी? द वॉटसन्स, सेंडिशन, एमा, परसुएशन? जी हाँ जी साहिल, अगर नॉवल ऑफ मैनर्स भी होता अगर गॉटिक की जगह, तो फिर नॉवल ऑफ मैनर्स आ जाता, बट अगर उसमें ऑप्शन में अकॉर्डिंगली फिर गॉटिक नॉवल ही आएगा। यस, सेंडिशन अनफिनिश्ड रह गया था उनका।
चलिए, डैश इज एन अनफिनिश्ड वर्क, अभी अभी बोला है मैंने, सेंडिशन उनका अनफिनिश्ड वर्क था। चलिए, विच टू नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन वर पब्लिश्ड पोस्टमसली। अब दो वर्क हैं जो एक साथ आए थे, पोस्टमसली आए थे, हेनरी ऑस्टन ने पब्लिश करवाए थे, उनका ब्रदर है हेनरी ऑस्टन। बताइए वो कौन से दो वर्क्स थे, 1818 में आए थे। बताइए, एमा नॉर्थेंजर एबी, एमा परसुएशन, परसुएशन नॉर्थेंजर एबी, एलिनोर एंड सेंडिशन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन, परसुएशन एंड नॉर्थेंजर एबी। इट इज़ अ ट्रूथ। अच्छा, फिर लाइन तो वही है बट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक डाला हुआ है। बताइए, टू बी इन अ वॉन्ट ऑफ, मस्ट बी इन अ वॉन्ट ऑफ अ वाइफ, डॉग, हाउस मेड। हाँ जी स्तुति, ठीक है आंसर आपका। हाँ जी, ब्लर आ रही है कुलविंदर, उसका रेजोल्यूशन चेंज कर लो। आप 280p पे चला रहे होगे वीडियो, इसको 720p कर लो। यस, वाइफ आंसर आएगा। हाँ जी, ओरिजिनल टाइटल ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी वॉज, फर्स्ट इंप्रेशंस, द ब्रदर्स, लेडी सुजैन, एलिनोर एंड मैरियन। हरमन नहीं आई क्लास में, और कौन नहीं आया, ऋषभ भी नहीं आया, और बहुत से बच्चे आज एबसेंट है ना। गुड इवनिंग साहू जी, कह सकती हूँ, आपका इतना बड़ा नाम है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही जी। हाँ जी, एलिन्योर एंड मैरियन, बिल्कुल ठीक। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। बेटा ये 25 क्वेश्चंस ही थे जेन ऑस्टन पर, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बैच क्लास में पीडीएफ में दूंगी, ठीक है, उसी में ही हम डिस्कस भी कर लेंगे। अभी टाइम कम है तो बाकी के हम ये लगाने लगे हैं लिटरी टर्म्स। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यस, हाइपरबली। क्या है ये, हाइपरबली, एग्जेजरेट कर दी है सिचुएशन। हाँ जी, कामनी कपूर भी नहीं आई है, बिल्कुल ठीक। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बताइए, अच्छा ऋषभ है क्लास में तो आंसर नहीं करा ऋषभ आपने, मुझे लगता है फिर ध्यान नहीं गया मेरा। हेलो एनी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कौन सी टर्म है, इमेजरी, अपोस्ट्रोफी, परसोनिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, ये क्या है, परसोनिफिकेशन है। मेरे को एक मिनट दो, कृषा ने मुझे बाहर से लॉक कर दिया, एक मिनट रुक जाओ, आप इसका आंसर करो। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यस, हाइपरबली। चलिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। बताइए, गुड इवनिंग रवीना। हाँ जी बेटा, मिलना मिलना, काम करवाते हैं, ठीक है, पेन पकड़ो आप। चलो मम्मा जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे टिक करते जाना। क्या आएगा आंसर, सिमिली, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पर लाइक आ गया है। हाँ ठीक है, चलिए, अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट अ क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिसिट इन व्हाट द स्पीकर सेज इज। अब इस लाइन का खुद से मतलब समझो, एग्जाम में मैं समझाने नहीं आऊंगी। बताओ बताओ इसका क्या आंसर आएगा, बताओ। हाँ जी, ध्यान से समझो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, बहुत बार करवा चुकी।
करते चलो आंसर, मैं देख रही हूँ आपको, आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है। जाओ बेटा एक बार बच्चे की ना पिट्टी लगानी है मुझे, आपकी पिट्टी ना लग जाए, जाओ मम्मा पिट्टी लगा के आती है, ठीक है। गेट बाहर से लॉक नहीं करना, नो मम्मा को डर लगता है। वेरी गुड रविंदर, साहिल, रिंकी, धर्मपाल जी, बाकी बाकी सबके ना मतलब समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों का क्या करूं। गिलास ले लो, पानी ले लो, मर जाओ उसमें जाके, क्यों नहीं समझ आती। एक सिंगल स्पीकर है, वो दूसरे को एड्रेस कर रहा है। वजवत ने डोरथी को एड्रेस करके पूरी टिंटन एबे लिख दी, डोरथी को एड्रेस कर करके बोल रहा है कि बहन हम यहाँ घूमने आए थे 5 साल पहले, माई लास्ट डचेस में। वो स्पीकर उसको बोल रहा है आर्टिस्ट को कि मेरी बीवी का तू बना दे वो स्केच सा, जो भी उसकी मूर्ति बनानी है, पेंटिंग बनानी है। दूसरे को उसकी प्रेजेंस हम फील कर पा रहे हैं, हमें पता है टिंटन एबे में डोरोथी बैठी हुई है, हमें पता है जब डावर बीच में जो नैरेटर है वो बोल रहा है किसी को, तो उसे फील आती है पोइट्री पोइट्री पढ़ के कि उसकी वाइफ है वो आर्नल्ड की। आप लोगों को क्यों नहीं चीजें वहां पे इस पूरे इसमें कहाँ लिखा है कि वो ऑडियंस को बोल रहा है, जो असाइड आंसर कर रहे हो मुझे, उसने एक बार भी बोला स्टेटमेंट में कि वो ऑडियंस को बोल रहा है और अदर कैरेक्टर्स नहीं सुन रहे हैं, ये लाइन कहाँ लिखी हुई थी। पता नहीं मोटा दिमाग इतनी बार चीज करवा करवा के, मतलब मेरे को था कि आज ये क्वेश्चन डालूंगी ना तब फाइनल हो जाएगा, बच्चों को चीज अब समझ आ गई है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ पोएम विच हैज बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सबसे लॉन्गेस्ट पोएम कौन सी है इसमें से। हुज प्रेजेंस इज फेल्ट का मतलब है कि वहां पर एक साइलेंट लिसनर खड़ा हुआ है, प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया। अरे प्रतिभा हर रोज ही कहते हो कि अब समझ आएगा, समझ तो नहीं आता फिर। यहाँ पर जो था उसकी प्रेजेंस हम फील कर पा रहे हैं, यानी कि एक इंसान साथ में है पर वो चुप है, वो साइलेंट है, तभी तो हम उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं, और बोलने वाला इकलौता बंदा है। यस, इसका आंसर क्या आएगा, एपिक पोइम। हाँ जी हाँ जी धर्मपाल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्टियस स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और अ मॉरल लेसन। इसमें से मॉरल लेसन लेसन कहाँ से समझ आएगा, एक प्रोज से, ट्रिक्स्टर टेल से, पैरेबल से, या किसी सीरियल से। हाँ जी धर्मपाल जी सही बता रहे हैं आप। हाँ जी, किससे समझ आएगा, पैरेबल से। अच्छा किसका किसका ये गलत था, साहिल का भी गलत था, पीछे ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, असाइड आंसर करा है सुखप्रीत ने, दीक्षा ने, मतलब जिन बच्चों से उम्मीद भी नहीं होती ना वो तक गलत आंसर करते हैं। चलिए अगले का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल रिलेटेड टू द एडवेंचर्स ऑफ अ स्पेनिश वर्ड पिकारो और रोग। अब यहीं से ही, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, चीज सामने लिखी हुई है। पिकारो वर्ड कहाँ से आया है देखो और बताओ, यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल रहा है कि पिकारो वर्ड कहाँ का है, स्पेनिश का। पिकारो का मतलब क्या है, रोग, रोग मतलब ठग। तो ये कितने, एक वर्ड, दो और तीन, तीन क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। और ये पिकारस्क नॉवल है, पिकारस्क नॉवल किसने चलाया था, कौन था फेमस पिकारस्क नॉवल के लिए, कौन आंसर करेगा। शैलजा आज क्लास में नहीं आई, नीलम भी नहीं आई क्लास में, है ना, जिन बच्चों से मुझे उम्मीदें होती है ना जो आंसर करेंगे। नितिका नहीं आई ना, नितिका बजाज नहीं आई। अच्छा जॉन डन ने चलाया था पिकारस्क नॉवल, अच्छा हेनरी फील्डिंग ने, डैनियल डिफो ने, इनसे भी पहले किसी ने चलाया था भाई साहब, इनसे भी पहले नीरू किसी ने चलाया था, डैनियल डिफोर, हेनरी फील्डिंग तो आपके सिलेबस के हो गए ना, इनसे ऊपर भी पहले कोई एक राइटर आ चुके हैं जिन्होंने पिकारस्क नॉवल की शुरुआत कर दी थी। नहीं, चार्ल्स डिकेंस नहीं है, नो
अब मैं लिखूं, रिचर्डसन ने तो बेटा एपिसलरी नोवेल चलाया है। नहीं रविंदर जी नहीं। हाँ जी साहिल बिल्कुल ठीक, थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। साहिल इसकी डेट बताओ, साहिल डेट बताओ इसकी, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर की। कौन बताएगा डेट? 1794। हाँ जी बिल्कुल ठीक, यस जैक विल्ट वॉल्टन वाला, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर द लाइफ ऑफ जैक वॉल्टन। चलो सारी नालायक जनता मेरे पल्ले पड़ी है। अ स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोइम ऑफ डैश लाइंस। आप ना बस ये बेसिक क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो कि बस जो सारी दुनिया आंसर देगी ना आपको वही चार आते हैं। आप कुछ नया सीख के राजी नहीं कि आप कुछ एक्सेप्शनली पूरे नंबर ले जाओ, है ना, कि आपको वही है बस ये घिसे पिटे करा दो हम तो वही आंसर करेंगे। बस ये तो सबको पता ही है 14 आंसर आना है इसका। आयाम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, बताइए कितनी लाइंस होती हैं आयाम्बिक पेंटामीटर में? बेटा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पढ़ोगे तो पेपर क्लियर नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ। घिसा पिटा तो सारे ही पढ़ के आ रहे हैं, घिसा पिटा तो सब पढ़ लेंगे। तो आपने उनकी रेस में लगना है या कुछ अलग से मार्क्स लेने हैं, मेरिट में आना है? यस 5 फीट। कितने फीट का होता है आयाम्बिक पेंटामीटर? 5 फीट। समझाने की नीड है? आयाम कितने का होता है? आयाम में बताओ कितने सिलेबल्स हैं, जल्दी बताओ आयाम में कितने सिलेबल्स हैं। मूड ठीक नहीं है मेरा, जल्दी बता दो, कल ही करवाया मैंने। आयाम में कितने कितने होते हैं, सिलेबल्स कितने हैं, कैसे होते हैं बताओ। हाँ जी शैलजा आंसर तो 5 फीट बिल्कुल ठीक है। आयाम में बताओ कितने सिलेबल्स होते हैं। वेरी गुड रिंकी, 2 सिलेबल्स। कौन कौन से होते हैं कौन बताएगा? यस जसप्रीत, अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। जब ये आयाम में 2 होते हैं और पेंटामीटर में 5 होते हैं तो 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। और आयाम्बिक पेंटामीटर में फीट कितने होंगे? 5। फीट का मतलब 1 फीट, ये हो गया 1 फीट, ये हो गया दूसरा फीट, तीसरा फीट, चौथा फीट, 5वां फीट। ठीक है, 1 2 3 4 5। कितने सिलेबल्स हैं? 2। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए यहाँ पे? पेन रुक गया मेरा, 1 मिनट। टोटल कितने हो गए? 10 सिलेबल्स। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए आयाम्बिक पेंटामीटर में सिलेबल्स कितने हैं तो कितना आंसर लिख के आओगे? 10 सिलेबल्स। कितना करके आओगे आंसर तब? 10 सिलेबल्स। कितने फीट हैं? फीट गिनो, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, 5वां गोला। कितने फीट हुए? 5 फीट। हाँ जी साहिल क्लियर हुआ सबको? कोई गलती करेगा इसमें? गलती करेगा मुझे बताओ। चलो इसका आंसर बताओ। एनापेस्ट पेंटामीटर में पहले तो फीट बताओ कितने होंगे, फिर सिलेबल्स बताओ कितने होंगे। जल्दी बताओ, करवाई हुई चीज है, मेथड बता दिया मैंने कैसे काउंट करना है। ट्रॉकी, कमलेश ट्रॉकी बोलते थे उसको। एनापेस्ट पेंटामीटर कैसे बनेगा बताओ, बनेगा कैसे, कितने फीट और कितने सिलेबल्स? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, आंसर करो मुझे। करते चलो करते चलो। अच्छा दीक्षा कान किथे है तोड़े, कान किथे है, मतलब सुनते नहीं तुसी मेरी गल। वेरी गुड जीनिया, बहुत अच्छे बेटा। कितने सिलेबल्स हैं? 15 सिलेबल्स। और कितने फीट हुए? 3 सिलेबल्स बेटा।
एनापेस्ट के अंदर 3 हैं, पेंटा में 5 हैं, 3 × 5 15 सिलेबल्स हुए, फीट कितने हैं, फीट फीट कितने हुए बताओ, गिने, UUI 1, UUI 2, UUI 3, UUI 4, UUI 5, फीट तो वही 5 का ही बना ना, उसका फीट का सिलेबल बड़ा है, आप समझे नहीं, वेरी गुड, स्तुति बिल्कुल सही समझी है, स्तुति बिल्कुल सही समझी है, फीट तो 5 ही रहे ना, फीट तो 5 ही रहे, फीट का डिजिट बढ़ गया है, फीट का डिजिट बढ़ गया है, फीट तो 5 ही है, हाँ जी, 5 फीट हैं, 15 सिलेबल्स हैं, और ये 3 3 सिलेबल्स का सेट है, 5 तिया 15, और बीच में अभी साहिल ने गलत आंसर करा था, एनापेस्ट बेटा UUI होता है, UU स्ट्रेस्ड, हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन एम्बिक पेंटामीटर, अब बताओ आंसर, हाँ जी साहिल बताइए आंसर करिए, हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन एम्बिक पेंटामीटर, जी हाँ जी साहिल बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही आना चाहिए, अब फटाफट करो आंसर, समझ आई अब ये बात, यस 10 बिल्कुल ठीक, आना है ये पेपर में, यू ही नहीं करवा रही मैं, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, ये डेफिनेशन किसने दी थी, कल परसों जब ये क्वेश्चन डला था तब ये मैंने पूछा था डेफिनेशन ये किसकी है, तो ये डेफिनेशन ट्रेजेडी की है, पर ये डेफिनेशन दी किसने थी, प्लेटो, शेक्सपियर, एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस, बताइए, वेरी गुड, किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी, अपनी कौन सी बुक में दी थी, पोइटिक्स में दी थी, किसमें दी थी, पोइटिक्स में, कमेंट करके बताओ, आफ्टर द क्लास पिन करूंगी मैं कमेंट, पहले एक बच्चा कर देना उसका कमेंट पिन करूंगी, चैप्टर नंबर बताना है मुझे कौन से चैप्टर में ये डेफिनेशन आई है, एरिस्टोटल के जो पोइटिक्स है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है उनकी बुक, कौन से नंबर चैप्टर में ट्रेजिडी की डेफिनेशन है, टोटल कितने चैप्टर हैं ये भी बताएंगे, पूरी बुक कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है और कौन से नंबर चैप्टर में ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी हुई है, चलिए, हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जी बताइए बिल्कुल ठीक है आंसर, फादर कौन है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, टीएस एलियट, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड, टीएस एलियट बिल्कुल ठीक, चलिए ब्लैंक वर्स इज क्या है, ब्लैंक वर्स, हाँ जी एनी, जसप्रीत, स्तुति, गुरदीप, शैलजा, रविंदर, तीनू, ब्लैंक वर्स क्या चीज है, आंसर करिए, 39 नंबर लिख के आंसर करना, मैं पीछे वाला आंसर ना समझ लूं फिर, 39 नंबर लिख के आंसर करो, चलिए किसने आंसर गलत करा है, GY और किसका गलत है, रिसु रत्तीवाल का, रिंकी गोयल का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके रविंदर जी का भी, शैलजा कहाँ जाएंगे आप, एक एक को घर आके पिट्टू, ये क्वेश्चन कितना लड्डू क्वेश्चन है, मेरे को डालते टाइम होता है यार ये छोड़ देती हूँ, ये नहीं डालती है ना, कोई और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कुछ निकालती हूँ, बट आप लोगों तो घिसे पटे क्वेश्चन नहीं आ रहे, अनराइम्ड अनराइम्ड कितनी बार बोला है, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, हाँ जी अरमान, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर है बट वो राइम नहीं कर रहा इसीलिए वो ब्लैंक है, चलिए यूजिंग सॉफ्टर साउंड्स साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ब्लंटनेस मतलब कुछ अपने आप से बनाओ इसका, ब्लंट वर्ड नहीं होना चाहिए, ब्लंटनेस को सॉफ्ट करने के लिए, हाँ जी बी होगा, हाँ जी पर शैलजा ये ब्लैंक वर्ड्स तो बिल्कुल इजी टर्म है, आप लोग अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली टर्म्स करने शुरू करो तो आपको आ जाएगा, जीनिया अभी तक आप सुधरे नहीं ना, जीनिया नहीं सुधरी है ना, नाई कुलविंदर, ये कल परसों डाली थी ना ये टर्म मैंने, हाँ जी जसप्रीत, तभी
तब भी सबने गलत किया था ना, फिर से उसी टर्म पे आ गए। कैसे धर्मपाल जी, क्या आंसर कर रहे हो? यस स्तुति, यूफेमिज्म। ये यूफुइज्म क्या होता है? यूफुइज्म मुझे तो नहीं पता, यूफुइज्म क्या होता है पता नहीं, कहाँ से सीख के आए हो। यूफेमिज्म, मिज्म आना चाहिए एंड में। हाँ जी, हाँ जी साहू, प्रिया चौधरी, यस। उस दिन भी सबने गलत करा, मतलब मैं ये वाली टर्म्स ना रोज रोज लेके आऊं, क्योंकि आपने सिर्फ क्लास में पढ़ना है, आफ्टर द क्लास आप कोई टर्म खोल के तो देखते नहीं हो कि हमने आज क्लास में क्या गलत किया, एक बार पढ़ के ही देख लें उसकी डेफिनेशन, है ना? क्योंकि उसके बाद आपने पढ़ना ही नहीं होता, ये क्लास में 40 मिनट पढ़े और भाग गए। द सेवन लाइन स्टांजा यूज बाई मिडीवियल पोइट्स इज नोन एज। हाँ जी, हाँ जी प्रतिभा, सेवन लाइन स्टांजा कौन सा है इसमें से? जी यस, राइम रॉयल। राइम रॉयल को ही क्या बोलते हैं? चौसेरियन स्टांजा। ठीक है, कितने पेपर जो चौसेरियन स्टांजा पूछ लें तो अनुमानदा ना होए। सेम चीज है, एलिजीज एंड सोनेट्स आर टाइप्स ऑफ। हाँ जी जसप्रीत, एलिजीज एंड सोनेट्स आर टाइप्स ऑफ एसेज, बायोग्राफीज, फिक्शन, पोएम्स। ये भी लड्डू क्वेश्चन है, ये भी गलत कर दो। हाँ जी पोएम्स। चलिए, अ स्टोरी दैट एंड्स विद द हैप्पी रेजोल्यूशन, ट्रेजेडी, फार्स, सटायर, कॉमेडी। नहीं साहिल, मॉर्नफुल पोइम्स नहीं है, एलिजी मॉर्नफुल है बट सोनेट मॉर्नफुल नहीं होती। सोनेट डिपेंड करता है कि राइटर ने किस वे में लिखी है, हमेशा सोनेट्स मॉर्नफुल नहीं होती हैं। यस पोइम, ये कॉमेडी। चलिए, फोर लाइंस ऑफ अ पोइम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट, कपलेट, क्वाट्रेन, हाइहू, लिरिक। बताइए, 44th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। कुछ नया सीखा था आज क्लास में तो जरूर लाइक करना, नहीं तो जाने दो। कुछ नया ज्ञान मिला है क्लास में, कुछ डांट फटकार से कुछ सीख जाते हो तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी क्वाट्रेन। चलिए, व्हाट डू द नॉवेल्स पामेला, क्लैरिसा, शामिला, लेडी सुजैन शेयर विद ईच अदर? बताइए क्या चीज है, आंसर करिए। हाँ जी, हाँ जी तीनू, साहिल, रिसु, सुखप्रीत, कमलेश, जसप्रीत। यस, दे आर ऑल एपिसलरी नॉवेल्स। हाँ जी रविंदर जी, सिलेबल्स निकालने सीखे हैं, चलो बढ़िया बढ़िया। मतलब मेरी क्लास आपको बाकी यूट्यूब चैनल से तो थोड़ी डिफरेंट लगनी ही चाहिए, मेरा यही रहता है कि कुछ तो डिफरेंट हो, कि आप लोग मेरे पास आए तो कुछ तो आपको लगे कि हाँ भाई इस प्लेटफॉर्म पे कुछ हम नया सीख के जाते हैं, कि यहाँ पर क्लास जरूर लगानी है ना? चलिए, मैं थोड़ा सा डांट के पढ़ा देती हूँ, पर कभी कभी हम हंसी मजाक में भी पढ़ते हैं, पर कभी कभी क्लास सीरियस भी हो जाती है। ठीक है, तो 45 में से कितने क्वेश्चंस अब आपको आते थे? ये ब्लैंक वर्ड्स बहुतों का गलत था, असाइड वाला गलत था, ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला, सिलेबल्स नहीं निकालने आते थे कईयों को, तो आज पूरे बटा पूरे नंबर तो नहीं आए होंगे किसी के। नहीं धर्मपाल जी, ऑस्टन, ऑस्टन दीदी के, जेन ऑस्टन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने बैच क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बैच क्लास में अलग से टेस्ट होगा, यूट्यूब पर ये इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें से आप बता देना आपके कितने मार्क्स आए हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के लिए आपको एक तो पहले यहाँ पर ये ले लो, अपना होमवर्क ले लो, लॉर्ड बायरन, कल आपका लॉर्ड बायरन का टेस्ट है, लॉर्ड बायरन की वीडियोस, पीडीएफ सब डली हुई हैं ऐप पर, उसे सुनो दोबारा से, अच्छे से रिवाइज करो लॉर्ड बायरन को। अगर एक दिन चाहिए आपको तो मुझे बता दो, राजा राव का पहले ले लेते हैं, लॉर्ड बायरन का फिर ले लेंगे, मुझे बता दो, क्योंकि फेस्टिवल था,
आप लोग अगर रिवाइज नहीं कर पाए हैं अच्छे से तो मुझे बता दो, टेस्ट की डेट ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर रिवाइज हो चुका है तो भी बता दो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए कल 3 नवंबर, ओके 3 नवंबर को राजा राव का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और 4 नवंबर को लॉर्ड बायरन का ले लेंगे, ठीक है। अब बार बार मेरे से पूछना मत, 4 नवंबर को हम लॉर्ड बायरन रख लेते हैं टेस्ट में, ओके, सैटरडे को, कल फ्राइडे को राजा राव का टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आज भी आप लोगों ने नया राइटर टेस्ट में दिया है तो थोड़ा थक गए होगे, थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी, राजा राव थोड़ा इजी है। हाँ जी ठीक है जी, चलिए अभी आपको क्लास खत्म होते ही लाइक शेयर कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है। शेयर का मतलब समझते हो? लाइक और कमेंट का मतलब समझ आ जाता है आपको, शेयर का मीनिंग नहीं समझ आता। शेयर का मतलब है उस एरो पे क्लिक करके, वो जो एरो बना हुआ है उस पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर वीडियो को शेयर करो। और कमेंट बॉक्स में मेरे को तीनों टाइप के जो सोनेट्स हैं, तीनों टाइप्स की उसकी राइम स्कीम बताओगे, स्पेंसेरियन स्टांजा, आई एम सॉरी, स्पेंसेरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम पेपर में एक की ज़रूर मिलने वाली है आपको। तीनों में से एक की राइम स्कीम पेपर में ज़रूर आनी है। तीनों की राइम स्कीम मुझे हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ठीक है जी। हाँ जी, टेस्ट शाम को प्रतिभा 6 बजे ही होगा, टेस्ट की टाइमिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है, और संडे की छुट्टी रहेगी और सैटरडे का लॉर्ड बायरन का टेस्ट रहेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं क्लास में राजा राव के टेस्ट के साथ, ठीक है, ओके जी, बाय बाय।